आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसैट मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओएआरओ एंड ऑन एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन एग्जाम्स में मैथ्स आती है, पूछी जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक संख्या दो अंकों से बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है, प्रारंभिक संख्या होगी। ए है 54, बी है 59, सी है 61 और डी है 63। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन के लिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं और लॉ जीएस मैथ संबंधित वीडियोज के लिए, क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। चलिए हल करते हैं इसको। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्या पता आपके पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाए और यहां पर जो 27 कम हो जाती ये संख्या बदल दी जाए, ठीक है, तो ऑप्शंस भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है एक संख्या दो अंकों से बनी है, ठीक, इतना हो गया। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का दुगुना है, तो यहां पर हमें इकाई के अंक का दुगुना बताया जा रहा है प्रश्न के अनुसार, दहाई का अंक। तो हम मान लेते हैं इकाई का अंक, माना इकाई का अंक एक्स है, इसलिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भाई इकाई का अंक एक्स है, तो क्या कहा गया है यहां पर कि दहाई का अंक जो है, ठीक है, वो इकाई के अंक का दुगुना है, तो इकाई के अंक का दुगुना दहाई का अंक है, ठीक है, तो 2x हो गया। अब मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या लिख दें या संख्या लिख दें, ठीक है, तो क्या होगी संख्या, दहाई का अंक। अब हमारे पास इकाई का अंक मिल गया x और दहाई का अंक 2x मिल गया, तो अब संख्या क्या होगी, 2x इंटू 10 प्लस x बराबर 2x का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब ये कैसे आया, ठीक है, तो ये भी जान लो, इकाई के अंक में हम 1 से गुणा किए तो x का 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और दहाई के अंक में हमने 10 से गुणा किया, ठीक है, तो दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, तो 2x गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा, 20x प्लस 1x है तो x को उतार लेते हैं, बराबर ये क्या हो जाएगा, यहां पर 20x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 21x मतलब 21x, ठीक है। अब मूल संख्या हमारे पास मिल गया, या संख्या मिल गई 21x। अब आगे प्रश्न फिर पढ़ना है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, तो अब हमें अंक बदलना है, तो अंक बदलने पर प्राप्त
प्राप्त संख्या तो अब यहां पर 21 है तो इकाई के अंक में क्या है, एक है, और दहाई के अंक में दो है तो इकाई को हम दहाई के स्थान पर और दहाई का अंक जो है इकाई के स्थान पर कर देते हैं तो 1 आ जाएगा और 2 हो जाएगा और x हो जाएगा। तो अंक हमने बदल दिए हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो 12x हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है तो 21x जो है संख्या बदलने पर 12x हो जाता है माइनस 27। ठीक है, क्योंकि कह रहा अंक बदलने पर अंक बदला 12x और मूल संख्या 21x तो अंक बदला और अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो प्रारंभिक संख्या से कितना है 27 कम है, इसलिए 21x माइनस 12x बराबर 27 के। अब इसको हम हल कर लेते हैं, 21x का जो है माइनस 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 20 21 मतलब 9x हो जाएगा और यहां पर 27 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/9। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 से 27 को अगर हम डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 27। ठीक है, तो x का मान हमारे पास 3 आ गया तो हमारे पास इकाई का अंक तो x मिल गया है। ठीक है, और दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक मिलेगा तो यहां पर 2 × 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं दहाई का अंक, दो गुणे 3 = 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में प्रारंभिक संख्या ही पूछी है केवल। ठीक है, तो प्रारंभिक संख्या या मूल संख्या, ठीक है, या संख्या, तो ये 21x होगा, क्या होगा 21x, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी 21x है ना, तो 21 × 3 क्योंकि x का मान क्या आया है 3 आया है तो 3 × 3 3 × 2 = 6 = 63 ये हमारा आंसर आया और यहां पर डी ऑप्शन आपका सही होगा 63। जो प्रारंभिक संख्या यहां पर मूल संख्या ना लिख करके यहां पर प्रारंभिक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या केवल संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संख्या मतलब अलग हो सकती है इससे और ऑप्शंस भी अलग ही होंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।